Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, माइसेल्फ डॉक्टर आनंद, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी मशीन के बारे में जिसको आपने अपने रेगुलर लाइफ में काफ़ी सारी बार सुना है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ नेबुलाइजर के बारे में। आपने देखा होगा जनरली जब भी मौसम आता है ठंडी का, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, हमारे घर में बच्चे या बूढ़े हैं उनको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और हमें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको नेबुलाइजर का यूज़ करना चाहिए। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक नेबुलाइजर करेंगे, इसकी अनबॉक्सिंग बताएंगे किस तरीके से यूज़ किया जाता है और इस नेबुलाइजर को यूज़ करना सेफ है या नहीं और किस तरीके से आप इसको यूज़ करें, ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक और इस नेबुलाइजर के बारे में सारी जानकारी पा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ अगर आप अपने लिए अपने फैमिली मेंबर में किसी के लिए भी इलाज करना चाहते हैं या ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं हमारी क्लिनिक से, तो हमारे क्लिनिक के नंबर 9305024291 पे कॉन्टैक्ट करके अपने लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट या अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि हम आज बात करने वाले एक नेबुलाइजर के बारे में, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये नेबुलाइजर है क्या। देखिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारे घर में जो बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं या किसी भी पर्सन को जब भी सांस लेने में दिक्कत होती है तो हम क्या बोलते हैं, घरेलू नुस्खा क्या होता है, भाप ले लो। ठीक है, ये हमारे दादी माँ के नुस्खे बोल सकते हैं, आपके घर में लोग सजेस्ट करते हैं कोई भाप ले लो, गर्म पानी का हम भाप लेते हैं तौलिया ओढ़ करके। या अगर आप मेडिकल फील्ड में जाएं डॉक्टर से बोलें तो डॉक्टर आपको बोलता है कि आप बच्चे को बूढ़े को या किसी को भी दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, रेस्पिरेटरी पैकेज में कंजेशन है, जाम है, तो हम बोलते हैं कि आप भाई आप नेबुलाइजेशन करा लीजिए, नेबुलाइजर ले लीजिए और अपना नेबुलाइज कर लीजिए ताकि आपका पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक खुल जाए। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो हमारे पास ये मेडिटिव का एक नेबुलाइजर, चलिए करते हैं इसके अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पर जो नेबुलाइजर है वो कंपनी ने हमें भेजा हुआ है कि आप अपने पेशेंट को बताएं। तो यहाँ पर कुछ एसेसरीज है इनकी, इसको हम साइड में कर देते हैं। और ये हमारे पास एक आता है मेन मशीन आया थी, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इस मशीन को मैं साइड में कर देता हूँ। और इस बॉक्स में आपको कुछ पेपर वर्क वगैरह मिल जाते हैं जिसमें कि आपका कुछ वारंटी वगैरह है और कैसे यूज़र मैनुअल है किस तरीके से आपको यूज़ करना है, तो हम इसको हम साइड में कर देते हैं। वारंटी कार्ड वगैरह भी इसमें मिल जाती है। तो यहाँ पर आप जब बॉक्स में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये इको मॉडल है, इको सीरीज़ का इसमें कंप्रेसर लगा हुआ है और इसमें 2 साल की आपको वारंटी मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 2 साल की वारंटी भी यहाँ पर मिल जाती है। चलिए ये करते हैं इस नेबुलाइजर को ओपन, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से मशीन दिख जाती है, इसको साइड में कर लेते हैं। और ये इसका वायर मिल जाता है जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पीछे साइड में आपको इनकी ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है पोजीशन कंप्रेसर नेबुलाइजर, यहाँ पर जो नेबुलाइजर की कंप्रेसर है उसकी मार्किंग है यहाँ पे। और यहाँ पर चार्ट आपको जो स्टैंड जिससे आपका ये ग्रिप बना के रखेगा किसी भी सरफेस पे। चलिए इसको हम खोल लेते हैं। तो हमें जो आपका ये प्लग वाला सिस्टम है इसको हमें पावर में कनेक्शन करना है, तो इसको हम पावर में कनेक्ट कर देते हैं सबसे पहले। चलिए हमारा ये पावर में कनेक्ट हो गया। और यहाँ पर हम कुछ एसेसरीज है जिसको आप देख सकते हैं, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 2 तरीके के मास्क मिल जाते हैं, एक ये एडल्ट मास्क है इसको साइड में करते हैं, और दूसरा ये एक बच्चों के लिए मास्क है क्योंकि बच्चों को और बूढ़ों को ज़्यादा दिक्कत होती है और उन्हें नेबुलाइजेशन की जो है ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो हम इन दोनों को यहाँ पर साइड में कर देते हैं। फिर यहाँ पर हमें एक आप स्पंज टाइप का देख सकते हैं, ये स्पंज दिया हुआ है जिसको कि हम एयर फिल्टर बोलते हैं, और यहाँ पर एक सॉकेट है इसको ओपन करके हमें यहाँ पर एयर फिल्टर लगाना होता है, तो हम इसको भी साइड में करते हैं। अभी मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊँगा। ये आपका पाइप बोल सकते हैं कनेक्ट करने के लिए इसको। और ये जो हमारा है, ये जो है हमारे पास, ये है आपका मेडिकेशन कप है, तो हम इनको कनेक्ट करके दिखाते हैं। सबसे पहले इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, तो नॉर्मली आपको इसको इस मशीन में यहाँ पर एक पाइप लगाने का कनेक्टर दिया हुआ, तो यहाँ पर हमें
कनेक्ट करना आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपकी बटन है ऑन ऑफ करने की, यहाँ पर एयर फिल्टर लगा हुआ है और यहाँ पर आपके नॉच लगा हुआ है जिसको कि हम पाइप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से लेंगे, इसको फिट कर देंगे, अच्छे तरीके से फिट कर लिए ताकि इसको बाहरी एयर ना मिले। और फिर एक और पार्ट आता है, इसको हम लेंगे और इसको हम डालेंगे जो हमारा मेडिकेशन कैप है, इसमें कनेक्ट कर देंगे। अच्छे तरीके से कनेक्ट करने के बाद हमें इस मेडिकेशन कप को खोलना होता है कि क्योंकि इसमें हमें मेडिसिन डालनी होती है। तो नॉर्मली आपको आप जैसा चाहें वैसा उस तरीके के मेडिसिन जो भी आपको डॉक्टर सजेस्ट करें उसको ले सकते हैं। यहाँ पर हम मेडिसिन की जगह थोड़ा सा वाटर का यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसान रहे, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मार्किंग दी हुई है कि आप 2 ml मिनिमम और 6 ml मैक्सिमम मेडिसिन डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको ये नॉच मिल जाती है जो लगा हुआ है, जिससे कि आपके जो मेडिसिन है वो इजीली आप इनहेल कर सकते हैं। जो आपका वेपर बनेगा, जो आपका स्टीम बनेगा, तो ये अच्छी तरीके से आपके बॉडी में इनहेल हो पाएगी। तो यहाँ पर हम मेडिसिन की जगह इसमें थोड़ा सा वाटर यानी कि पानी डाल करके आपको टेस्ट करके दिखाना चाहूँगा। सपोज करिए हमने यहाँ मेडिसिन डाल दी और ये जो हमने डाली ओनली 5 ml, ताकि आप इजीली इसको देख सकें, आपको समझ में आए। और हमें इस कप को इसमें टाइट कर देना, फिट कर देना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमारे पास एक कंट्रोलर दिया हुआ है कि आप किस तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं, किस तरीके से इसमें से वेपर बाहर निकलेगा ताकि आप ले सकते हैं। अब लेना कैसे है इसको, तो जब अगर आप एडल्ट हैं तो इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिट कर दीजिए और यहाँ से आपका नाक से आप लगा करके इसको इनहेल कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी इनहेल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये फ्रेश पीस है अभी और मुझे इसकी नीड नहीं है, मैं इसको निकाल देता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाने के लिए इसमें से मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से निकलता है। चलिए तो हम इसको अब ऑन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से इसमें वेपर निकलना स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं वीडियो में दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान देना है कि अंदर जो एक टिप लगी है आपको उसको निकालना नहीं है। लगेगा कि वो यूज़फुल नहीं है, बट वो जो छोटी सी चिप है, छोटी सी आपको प्लास्टिक की एक चिप टाइप की लगेगी, वो आपकी इस पूरी जो मेडिकेशन कैप है इसमें जो आपका वेपर बनाने का काम है कहना चाहिए, जो है उसी के कारण बन रहा है। तो आपको उसको निकालना नहीं, उसको छेड़ना नहीं, जो जैसा है एज इट इज़ उसको वैसे ही रखना है। यहाँ पर मैं सिर्फ इसको आपको ऑन करके दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आवाज़ आएगी इस वजह से आपको दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा करने के। यहाँ पर आप इस तरीके से कम हो जाएगा और इस तरीके से मैक्सिमम हो जाएगा, ताकि इससे आपको मैक्सिमम इनहेलर मिल सके। आप जितनी जल्दी मेडिसिन लेंगे उतना आपको रिलीफ लगेगा। फिर से दिखाता हूँ, ये कम है और ये मैक्सिमम है, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम। इस तरीके से आप इस नेबुलाइजर का यूज़ एक अगर आप करना चाहते हैं तो एक साथ एक बार में आप 30 मिनट्स यानी कि आधे घंटे के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं और आपको आराम मिल जाएगा। चलिए इसको करते हैं साइड में। नॉर्मल से हम बात कर लेते हैं मशीन के बारे में कि जो मशीन है इसकी पावर वगैरह क्या है। तो ये आपकी 200 volt की मशीन है जो कि आपको 55 ampere का करंट देती है। और जो मेडिकेशन जो कैपेसिटी है वो 6 ml की कैपेसिटी है। इसके साथ साथ साउंड लेवल जो इसका है वो है 60 decibel है। आपने साउंड सुन लिया होगा, माइक के साथ साउंड आ रहा है तो काफ़ी थोड़ा साउंड, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, एक एवरेज साउंड इसमें आ जाता है। इसके साथ साथ इसमें आपको जो नेबुलाइजर कर रहे हैं वो आप 0.2 ml पर मिनट, यानी कि आपको जो मेडिसिन ले रहे हैं इसमें वो 0.2 ml है पर मिनट के हिसाब से आप इसको नेबुलाइज कर सकते हैं। और जब वेट की बात करें तो 1.3 kg
ऑलमोस्ट जो आपका 1.25 किलो से 1.5 किलो के आसपास का है, तो आराम से आप नॉर्मली इसको कैरी कर सकते हैं, घर पर रख सकते हैं, बच्चे को, बूढ़ों को, जिसको भी दिक्कत है रेस्पिरेटरी की, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इको सीरीज कंप्रेसर का जो निम्बलाइजर है वो क्या क्या काम कर लेता है इसमें, यानी कि इससे आपको कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपके घर में जिनको भी रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम, कौन कौन सी प्रॉब्लम है, ब्रोंकियल अस्थमा, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, निमोकोकस, सिस्टिस फाइब्रोसिस, ब्रोंकियोटैक्सिस, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज जो आती है लंग्स में, यानी कि पूरा कंजेशन रहता है, इसके साथ साथ पल्मोनरी इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और ट्रेकिकार्डाइटिस, यानी कि जो हमारा ट्रेकिया है अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो इसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नेबुलाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्मॉल एयरवे डिजीज, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल अगर भाई बॉडी में जो है, या आप बोल सकते हैं ये पूरा जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इसमें फंस जाता है, जस्ट कंजेशन हो जाता है, निमोनिया ये कंडीशन है, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नेबुलाइज कर सकते हैं अपने आप को। इसके साथ साथ जैसे मैंने बोला कि इसमें जो कंटेंट है वो आपको एडल्ट मास्क, बच्चों का मास्क, मेडिकेशन कैप, ट्यूब और एयर फिल्टर्स मिल जाते हैं, तो आपको मैंने सब कुछ दिखा दिया है किस तरीके से करना है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कहाँ से बाई कर सकते हैं, कहाँ से खरीद सकते हैं, तो देखिए जो इसकी कॉस्टिंग आती है वो आती है 3000 रुपीज़, यानी कि 3000 रुपये पर। वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वो बेस्ट बाय लिंक वहाँ आपको दी गई है, वहाँ पर आपको नॉर्मली 1000 से लेकर 1200 रुपये तक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और ये जो मौसम है, जैसे मैंने बोला सितंबर जा चुका है, अक्टूबर आ चुका है, इवन हम जो इस समय वीडियो बना रहे हैं वो मिड अक्टूबर है, 12 अक्टूबर के बाद की हम वीडियो बना रहे हैं, और धीरे धीरे अब ठंडी आने लगेगी, तो आपको बच्चों को या बूढ़ों को जो घर में हैं उनको सांस की दिक्कत होगी, तो आप धीरे धीरे करके आप इस प्रोडक्ट को आप अपने घर पर रख सकते हैं, इस मशीन को रख सकते हैं। काफ़ी इजी है यूज़ करना, और क्योंकि ज़रूरत पड़ती है छोटे बच्चों में, बूढ़ों में, तो आप इसको मंगा सकते हैं, घर पर रख सकते हैं। तो काफ़ी एक अच्छा प्रोडक्ट है, और आपको अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टोटली मेड इन इंडिया, यानी कि इंडिया में बना हुआ है, इंडिया का प्रोडक्ट है, और हम सभी को एक इंडियन प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। चलिए, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, मशीन के बारे में, मशीन के पावर के बारे में, मशीन के इक्विपमेंट्स के बारे में, मशीन चलाकर बता दी। अच्छा, एक चीज़ और बताना बाकी है कि यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से एक सेक्शन मिल जाता है, यहाँ पर खाली है, और यहाँ पर ये एयर पंप है, ठीक है। यहाँ से आपकी, फिर से दिखा देता हूँ आपको, इस पोर्शन से आपकी एयर जाती है, यहाँ से जो एक होल है मेन पावर बटन के जस्ट बगल में, तो यहाँ पर एक छोटा सा फिल्टर लगा होता है, इस फिल्टर को तभी चेंज करना है जब ये थोड़ा सा डार्क कलर का हो जाए, ब्लैक कलर का हो जाए, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लगाना कैसे है इसको, आपको फिल्टर निकालना है, फिल्टर को इस तरीके से आपको इस सेक्शन पॉइंट पर लगा देना है और इसमें फिट कर देना है। नॉर्मली जिनके यहाँ आपका वैक्यूम क्लीनर वगैरह है वो इनको आराम से देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं, यहाँ से आपकी एयर जाएगी और यहाँ से एयर आपकी निकलेगी और यहाँ से आप ले सकते हैं। नॉर्मली मैं आपको एक बार फिर से ट्राई करके दिखा देता हूँ, करता हूँ कि आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया होगा। प्रोडक्ट पसंद आया, वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर उनके साथ करिए जिनके घर में बच्चे हैं, जिनके घर में बुजुर्ग हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम भाई आने वाली है, और प्रॉब्लम सीवियर ना हो जाए तब तक आप, अगर ये वीडियो उनके पास पहुँच जाएगी, इस मशीन को उनको चलाने आ जाएगा, तो आराम से अपने घर में अपने बच्चों को, अपने बुजुर्ग को ठीक रख सकते हैं। इस ठंडी जो जाड़ा आने वाला है उसमें जो है अपने घर के बच्चों को या बुजुर्ग को या फैमिली मेम्बर्स को बचा सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए, और प्रोडक्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो मैं डॉक्टर आनंद मिलता हूँ आपसे इसी तरह के अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।